देश में अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आ रही है, लेकिन फिलहाल मुश्किलें कम नहीं हुई। ऐसे में अभी और संभल कर रहना है हम सभी को। पिछले 24 घंटे में जितने लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए उससे ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, ये अच्छे संकेत हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आपको अभी और कितने दिन सावधानियां बरतनी होंगी, किस बात का खास ख्याल रखना है हमको और आप सबको, कोरोना के अलावा अब अगली मुसीबत ब्लैक फंगस की है, इसका सामना कैसे करना है, क्योंकि कई राज्यों में अब ये ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं। इनसे जुड़े आपके भी अगर मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। TV9 भारत वर्ष की हेल्पलाइन का नंबर ये रहा 0120-490-9900। इस नंबर पर आप सीधे हमें फोन कर सकते हैं। हमारी तमाम लाइनें इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए खोल दी गई हैं, क्योंकि हम आपकी मुश्किल बखूबी समझते हैं और आपके मन में मौजूदा हालात को लेकर, कोरोना को लेकर क्या सवाल हैं, वो आप हमारे एक्सपर्ट्स से इस वक्त डायरेक्ट पूछ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए जो मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं, फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर समीर कौशल जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर, पहला सवाल मैं आपसे ब्लैक फंगस को लेकर ही पूछना चाहता हूं, हमारे तमाम कॉलर्स भी अपने सवाल पूछेंगे, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले अब कई राज्यों से सामने आ रहे हैं, ये इस वक्त हम सबकी कितनी बड़ी चिंता का सबब है और क्या इसके लिए पर्याप्त दवाइयां, पर्याप्त इलाज है हमारे पास? ये काफी चिंता का पॉइंट हो चुका है जी। ये नहीं कहूंगा कि भाई हाँ ज्यादातर कोविड पेशेंट्स में फंगस आ जाती, लेकिन क्योंकि कोविड पेशेंट्स की तादाद ही इतनी ज्यादा है कि अगर छोटी परसेंटेज को भी अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे सामने तो ढेर सारे केसेस इकट्ठे हो जाते। सही बात है। कोविड में तो फिर भी कई पेशेंट्स घर पे ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, माइल्ड केसेस होते हैं, यहाँ पे ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस जिनको कहते हैं, इनको इसमें घर पे ट्रीटमेंट फिजिबल नहीं है, यहाँ पे एडमिशन करके ट्रीटमेंट करना ही बहुत जरूरी है। और कई केसेस में जानलेवा भी हो सकता है। और अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ गई है वो ये कि जो उसको ट्रीट करने की दवाई है जी, वो हमारे पास शॉर्ट हो रही है। तो सडनली डिमांड बहुत बढ़ गई और सप्लाई अब शॉर्ट हो रही है। ज्यादातर केसेस में अभी जो एडमिटेड है वो तो चलो हम उनको देख रहे हैं जी, लेकिन रोज के रोज एक दो केसेस ऐड होते जा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में उनका बिना दवाई की सप्लाई के हम पेशेंट्स को एडमिट भी नहीं कर पाएंगे। ये चिंता का सबब है। और आप जो बातें कह रहे हैं, कई राज्यों से इस तरह की जानकारी हमारे पास भी सामने आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।